हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज हम कवर अप करने वाले हैं केस स्टडी नंबर 3। केस स्टडी 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर SEMPE की केस स्टडीज़ का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आपको वो केस स्टडी मिल जाएगी। उसमें मैंने कवर किया था कि हमें किस तरीके से केस स्टडीज़ को अप्रोच करना चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं। आज हम उसी तरह से केस स्टडी 3 कवर करेंगे। इसके अंदर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं वो वॉटर्स वैल्यू चेन मॉडल है और वैल्यू शॉप मॉडल कॉन्सेप्ट है। तो ये ऑलरेडी हम वीडियोस के थ्रू कवर कर चुके हैं थ्योरी टॉपिक। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। केस स्टडी में आपको एग्जाम में ऐसा नहीं दिया होगा कि कौन सी केस स्टडी है, किस पर बेस्ड है, ये सिर्फ इस मॉड्यूल में दिया होता है। राइट, तो मैंने जैसे बताया था, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है रिक्वायरमेंट्स पर। रिक्वायरमेंट्स में बताया हुआ है कि डिस्कस द बेनिफिट्स दैट मे अक्रू टू WSS फ्रॉम कंडक्टिंग अ वैल्यू चेन एनालिसिस। सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दे आर आस्किंग अस, व्हाट इज दैट, डिस्कस करने हैं बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स? कि वैल्यू चेन एनालिसिस करने से WSS, हमारी केस स्टडी में जो एंटिटी आ रही होगी उसका नाम WSS होगा, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि वैल्यू चेन एनालिसिस करने से WSS को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको उस चीज़ से रिलेटेड डिस्कस करना है। ओके, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज डिस्कस द क्रिटिसिजम्स ऑफ पॉटर्स वैल्यू चेन मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WSS। WSS के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्रिटिसिजम्स भी बताने हैं। पहले पूछ रहे हैं बेनिफिट्स बताओ, दूसरा पूछ रहे हैं क्रिटिसिजम्स बताओ। ओके, हाँ बता देंगे। थर्ड पॉइंट है एक्सप्लेन द अदर फॉर्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस दैट मे बी मोर सूटेबल फॉर WSS। तो दूसरी फॉर्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, ये तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ रहा है। तो दूसरी फॉर्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होती है? दूसरी फॉर्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस होती है वैल्यू शॉप मॉडल, जो एक सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होती है, क्योंकि वैल्यू चेन एनालिसिस इज मोर स्पेसिफिक टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो जो भी सर्विस इंडस्ट्री होती है, सर्विस सेक्टर्स वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, फॉर देम देयर इज अ कॉन्सेप्ट वैल्यू शॉप मॉडल, जिसके अंदर हमें पता है प्राइमरी एक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं इन कंपैरिजन विद द वैल्यू चेन एनालिसिस। दोनों की सेकेंडरी एक्टिविटीज सेम होती है, प्राइमरी में डिफरेंस होता है। हाँ, ये इतना हमें पता है। हमें थर्ड पॉइंट पढ़ते ही समझ आ गया कि इसमें कौन से वाले फॉर्म की बात कर रहे हैं, वैल्यू शॉप मॉडल की बात कर रहे हैं। तो अभी हमें कॉन्सेप्ट पता है कि इस पूरी केस स्टडी के अंदर हमें अपने दिमाग में थ्योरी का कौन सा टॉपिक दिमाग में रखना है, वैल्यू चेन एनालिसिस और वैल्यू शॉप मॉडल। अभी तो ऐसा लग रहा है पढ़ने से, ठीक है, तो अभी हमें हिंट मिल गया। अब हम जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक बर्डन नहीं रहेगा कि इतने सारे थ्योरी टॉपिक्स हैं, पता नहीं कौन सा वाला क्वेश्चन पूछ ले। अब हमें पता है किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो अब इजीली हम केस स्टडी रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं और हमें आराम से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। सो वेस्टवुड सोलर सॉल्यूशंस हैज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ डेवलपिंग सोलर डोमेस्टिक वाटर हीटर दैट फुलफिल द कस्टमर्स नीड्स। WSS designers and product developers focus on solutions to get rid of everyday hassles and transform these into a pleasant experience. So, आपको याद होगा जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको जो जो कीवर्ड्स हैं मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगी, आप उन पर फोकस करना बिकॉज दे आर गोइंग टू बी यूज इन योर सोल्यूशंस, क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है तो हमें पता है कि क्या क्या हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स होने चाहिए। राइट, सो यहाँ पर उन्होंने बताया कि WSS के जो डिज़ाइनर्स हैं, प्रोडक्ट डेवलपर्स हैं, वो उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, जिससे कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो, जो भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उनको वो ट्रांसफॉर्म कर पाए इनटू द प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। ओके, WSS ऑल्सो हैज़ अ वाइड सर्विस नेटवर्क दैट स्पैन्स द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया टू इंश्योर गुड केयर ऑफ द कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स by providing prompt and pleasant service experience to them. In the past, WSS had a dominant position in the Indian market. However, over the past 4 years, it has been found that its profit and its share in the market have come down. तो उनका market share और उनके profits जो हैं वो कम हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है from the past 4 years. Okay. WSS has business model comprising of the following steps. Firstly, WSS highly qualified and skilled experts visit the customer's locations to identify and design the appropriate heater as per the customer's requirements.
WSS exports are recognized as the best in the industry, and the customers agree that they produce most effective solutions to their complaints. तो ये best in the industry माने जाते हैं, customers का कहना है, and customers इस बात से agree करते हैं, ये most effective solutions provide करते हैं to their complaints. कोई भी complaint customer करता है, सबसे best to best solution कौन provide कर पाता है? WSS, which is Westwood Solar Solutions. Okay, let's come on to the next page. At WSS, in the laboratories, the heater design goes through intricate, complex and dynamic process. Prototypes are developed on the basis of discussions in the previous step. तो prototypes किसके basis पर develop होते हैं? On the basis of discussions, जो उन्होंने customers के साथ किए होते हैं. Thereafter, these prototypes are tested. इसके बाद उसको test भी किया जाता है. Once a final design is decided, such design is passed to the manufacturing division for production. Cool. Then WSS manufactures the appropriate solar water heater to the desired specification and installs at the customer's location. इसको install भी करा देते हैं. Okay. तो manufacturing का काम भी कर रहे हैं, फिर उसको customer की location पर install भी करवा रहे हैं. Okay. After the heater's installation, WSS renders annual maintenance services for which it is well known in the industry. तो सब इस services के लिए जो annual maintenance services provide करती है WSS, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा well known है in the industry. इतना अच्छा कोई भी provide नहीं करता. WSS customers pay a total price for design, manufacture and initial installation of the solar water heater and an annual maintenance charge after that. तो सभी कुछ इन्हीं से करवा लेते हैं, पहले डिजाइनिंग करवाते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, फिर इनिशियल इंस्टॉलेशन करा लेते हैं, और फिर जो एनुअल मेंटेनेंस होती है ना, वो भी इन्हीं से करवा लेते हैं. The total prices are quoted before design work begins. भाई ये जो अपना प्राइस है, ये अपना काम शुरू होने से पहले ही बता देते हैं कि ये हमारे प्राइसेस हैं, फॉर दीज आर द सर्विसेज दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू. ओके. ऑल्दो कस्टमर्स अप्रिशिएट द हाई क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशंस प्रोवाइडेड बाई WSS टीम, हाउएवर दे आर कंप्लेनिंग दैट द ओवरऑल प्राइसेज आर टू हाई. वो बोल रहे हैं कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ सोल्यूशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो प्राइसिंग है दैट इज़ टू हाई. Customers have said that although other suppliers do not solve their problems as WSS does, they do charge less. Competitors are able to provide at a lesser price. That means you're providing a good quality product or service, but the charges are very high. You are not providing it at a competitive price. Consequently, WSS has lowered down its prices to compete in the market. There is a doubt that the manufacturing and installation stages of the business model are not contributing sufficiently. Which of the stages is not contributing sufficiently? The manufacturing and installation. मतलब जो बाकी का वो काम करते थे ना, डिज़ाइन करना और आफ्टर एनुअल मेंटेनेंस एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो सही से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम्स आर विद द मैनुफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन स्टेजेस. ओके. So there is a doubt that the manufacturing and installation stages of the business model are not contributing sufficiently to the firm since costs at both the stages are going high. Okay. Partners at WSS have considered that this situation should no longer continue and have recommended that a value chain analysis to be conducted as to identify the way forward for WSS. Although majority of partners are in agreement with the proposed value chain analysis, however, senior partner W has stated that value chain analysis is inappropriate idea. She says that she has heard a number of criticisms of the value chain. तो यहाँ पर आपको criticisms कौन से हैं वो नहीं बताया. They have just told you कि एक partner है जो बोल रही है that there are a lot of criticisms of value chain model, so this won't be a good idea for our entity. Okay, so you have been asked the benefits of value chain analysis, you have been asked the criticisms of Porter's value chain model, and you have to explain the other form of value chain analysis. So see, aapne case study padhi, aapko pata chal gaya hoga ki yahan par jo problem chal rahi hai, the main problem is with the manufacturing and installation. They are still able to work better for the designing stage and the after sales services, that is the annual maintenance services. They are able to provide that very, very well, and they are very good at it also. So the main concern, the main problem is arising with the manufacturing and installation. Okay.
सो आपको पता चली गया होगा कि वैल्यू चेन एनालिसिस से बेटर कौन सा हो पाएगा, वैल्यू शॉप मॉडल, बिकॉज दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दी सर्विस सेक्टर. ओके, सो लेट्स डिस्कस दी बेनिफिट्स दैट मे अक्रू टू WSS. अगर वो वैल्यू चेन एनालिसिस कर लेते हैं तो वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब ये होता है अ चेन ऑफ एनालिसिस जहाँ पर यू आर गोइंग टू एनालाइज इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी एंड यू आर गोइंग टू कैटेगराइज देम इनटू टू. First one, the ones which are the value-adding activities and the other ones which are non-value-adding activities. The only purpose of value chain analysis is not to only take into consideration the value-adding activities but actually to take into consideration the non-value-adding activities. Why? Because you want to either reduce them or to eliminate them jisse ki aapka pura process acche se ho pae, right? So, the benefits बताने से पहले द फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज डू इन योर आंसर व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर्स फॉर द केस स्टडी यू शुड ऑलवेज हाईलाइट व्हाट इज द इशू हियर व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड एंड यू शुड इवैल्यूएट दैट कॉन्सेप्ट देन एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स यू शुड गिव द कंक्लूजन्स फॉर द सेम. सो पहले सीधा आंसर में कंक्लूजन नहीं देना चाहिए कि दिस मॉडल शुड बी सिलेक्टेड और दिस मॉडल शुड नॉट बी सिलेक्टेड. नो, वी शुड ऑलवेज गिव द इशू व्हाट इज द इशू विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द केस स्टडी एंड देन वी शुड राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थ्योरी टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड इन आर बुक्स एंड थियोरेटिकली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज्ड ओवर हियर एंड देन यू शुड इवैल्यूएट इट एंड देन यू शुड कंक्लूड योर आंसर. सो दिस वे यू शुड राइट द केस स्टडीज, राइट? सो लेट्स रीड द सॉल्यूशन आल्सो बिकॉज द सॉल्यूशन इज not own, मतलब ऐसा नहीं है that the question does not or the case study does not mention the points directly. So it would be better if we read the solution also for this particular case studies. That then only we'll be able to recall the benefits and the criticisms that we have already covered in the Potter's value chain model. Okay, so let's cover these two or three questions one by one. थर्ड क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर लेंगे बिकॉज अदर फॉर्म इज वैल्यू शॉप मॉडल विच वी ऑलरेडी नो. वैल्यू शॉप मॉडल ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं तो इसमें हम ऊपर से जस्ट गो थ्रू कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स. द फॉलोइंग देयर आर फॉलोइंग बेनिफिट्स अक्रूइंग टू WSS थ्रू वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्म आइडेंटिफाई करती है, एनालाइज करती है सारी एक्टिविटीज़ को जो ऐड कर रही हैं वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट एंड द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटीज जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, तभी तो आप उनको एलिमिनेट कर पाओगे. द एनालिसिस ऑफ वैल्यू चेन हेल्प अ फर्म इन ऑब्टेनिंग द कॉस्ट लीडरशिप. वैल्यू चेन एनालिसिस करने से क्या होता है? कॉस्ट लीडरशिप अटेन कर पाते हैं एंड वी आर एबल टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. हेयर द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाली बात नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज नो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है सॉरी. द थिंग इज आपका प्रोडक्ट तो डिफरेंशिएटेड है बिकॉज द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग आर वेरी गुड. ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन कॉस्ट लीडरशिप में प्रॉब्लम आ रही है. कॉम्पिटिटिव प्राइस पर आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, राइट? सो फॉर WSS वैल्यू चेन कैन प्रोवाइड विद मोर अनएम्बिगस पिक्चर ऑफ द वैल्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन एज परसीव बाय द कस्टमर्स. दिस मॉडल ऑल्सो हेल्प्स इन एनालाइजिंग अदर फर्म्स विद इन द इंडस्ट्री. विद इन द सेम इंडस्ट्री उनको भी एनालाइज कर पाओगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, हाउ दे आर एबल टू अचीव कॉस्ट एडवांटेज, वॉट आर देयर की एरियाज और वॉट आर देयर स्पेशलिटीज बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू अचीव दिस. As WSS observed that other firms in the industry are considered to be more cost effective in terms of manufacturing, it may plan to use the value chain model which the competitors are using. उससे उसको help मिल जाएगी. अगर वो इस analysis को करता है तो उसको पता चल जाएगा कि competitors कौन सा value chain model use कर रहे हैं जिसकी वजह से they are able to achieve this cost leadership. Now, the value chain will assess WSS to determine ways to get best approach towards developing the higher level of competitive performance. This model assists firms in finding ways to develop higher level of performance either by cost leadership or product differentiation. These are the only two methods. Right now WSS is in a situation wherein it is being defeated on price. Kis ki wajah se haar raha hai? Because of the price of some of its competitors. However, is recognized as best solutions provider to the customer's problems. Although quality terms mein you are very 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 good, but still you are not able to provide it at a competitive price. That is why you are facing problems in this. Though through detailed value chain analysis, WSS may be able to ascertain the reason of falling down in such situation, and partners may be able to take the decisions regarding the future vision of the firm. Through this analysis, WSS may apply other relevant management techniques as well. Post value chain analysis, WSS will be in a position to decide whether it is worthwhile to continue the technique of benchmark या फिर
इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप करने की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजी डेवलप करने की ज़रूरत है, या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है, या फिर हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ये इन सब का आपको आइडिया लग जाएगा वंस यू डू दी वैल्यू चेन एनालिसिस, क्या करना चाहिए, दैट यू विल बी एबल टू डिसाइड वंस यू आर डन विद दिस. फर्दर WSS में डिसाइड टू आउटसोर्स दी मैन्युफैक्चरिंग. क्यों? क्योंकि डिजाइनिंग वाला काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एनुअल मेंटेनेंस का काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, द ओनली प्रॉब्लम इज विद दी मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंस्टॉलेशन. सो हो सकता है WSS डिसाइड करे कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन को आउटसोर्स करना है एंड कीप फोकस ऑन द डिजाइन एंड सर्विसेज बाय फॉलोइंग द वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल. This technique may be appropriate for WSS by outsourcing manufacturing. WSS may be able to focus on its core area, which is for which it is well known in the industry also. Kya tha? Annual maintenance or designing. Value chain analysis will also facilitate the development of performance metrics. Performance metrics aapko yaad aa raha hoga for WSS. By developing with such metrics, the metrics ki yahan pe spelling galat hai. WSS may be able to identify which aspects of its business model are not contributing to the overall value and profits of the firm. Although currently WSS has suspicion that manufacturing and installation are the weak parts of its operations, development of transparent and appropriate matrix would enable WSS to recognize where value and profit are being added in the business model. Now, what are the criticisms? Now, we are done with the बेनिफिट्स. हमें पता चल गया क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वैल्यू चेन के. आपको अपनी इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर्स की वैल्यू चेन का समझने का मौका मिलेगा. यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि आपके लिए कौन सा टेक्निक यूजफुल हो सकती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड सो ऑन. आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर सकते हो, वॉट आर दी प्रॉब्लम एरियाज, कहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ आउटसोर्स कर देनी चाहिए. सो दिस दीज ऑल विल बी दी बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस. बाई डूइंग वैल्यू chain analysis, your entity will be able to identify all these points and get all these benefits of this analysis. Okay, so let's study the criticisms also. So what are the criticisms of value chain developed by Michael Porter? So this value chain analysis cannot easily be applied to firms belonging to service industries. So yahi hamara main point tha jiski wajah se humne kaha tha other form of value chain analysis aap apply kar sakte ho, which is value shop model. This criticism is particularly imperative in the context of WSS, which has upward profits from rendering. Upward profits मतलब ज़्यादा profits जो earn कर रहा है, actually जो upward है मतलब loss नहीं दे रहे, profits दे रहे हैं. Upward profits from rendering the solutions and services rather than from that of manufacturing tangible products. Many people appreciate that model, that the model is more suitable for the manufacturing based industries rather than service based industries. So this is one of the most important point. That is why we are saying that value shop model will be more appropriate for WSS. Often this model is seen as complicated and perhaps could be a source of frustration for the management of a firm. Although the staff of WSS includes bright and intelligent experts, they may not see the value in depth analysis of the business which is required for a full value chain analysis. This analysis has a linear approach and ignores the concept of value networks. This criticism is specifically relevant to WSS because its major business resorts to cooperative relationship that the experts have with their customers. If WSS decides to outsource the manufacturing and focus on the design and service, this will become even more relevant where the relationships are at most important because the customers are trusting your entity that you are producing this product and you are going to provide the standards, we are going to provide the products up to the applicable standards and expected standards. But since you are outsourcing the product, it may happen the manufacturing is not as per their customer satisfaction. So this way, often value chain analysis is perceived as a time consuming and expensive process as a whole. However, if the analysis is to be completed timely, there will be a requirement of reliable data. देखो हमने ये पॉइंट सारे कवर कर रखे हैं जब हमने थ्योरी पढ़ी थी. सो रिलायबल डेटा की आपको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कॉम्पोनेंट्स इन द बिजनेस मॉडल. However, in the absence of good cost capturing system, this model could prove to be a costly process. After completion of this process, there is no guarantee that the process will lead to an upward trend in the profitability, and where it does, it may take some time in realization. So koi guarantee thodi na value chain analysis kiya to profit. No, there is no guarantee. So aur ho sakta hai aapki profits mein convert ho bhi jaye entity, but it will take some time.
So that is why these are some of the criticisms which, because of which value chain analysis won't be a good option for this company. WSS requires to acknowledge that the nature of its business is turning from manufacturing to solutions provider or professional service firm. Main to yahi ho raha hai na. Isiliye, from this point of view, it would be better for WSS to analyze its business using the professional services value chain, jisko hum value shop model bolte hain. The concept of value shop came into limelight holding the hand of Charles B. Stable and Weston D. Fitzstatt in 1998. This concept aims to serve firms from service sector. It only deals with problems, figure out the main area जहाँ पर आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट है, फाइनली कम्स विद द सॉल्यूशन. सो प्रॉब्लम फाइंडिंग एरिया, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे. प्रॉब्लम फाइंडिंग, फिर हमने क्या क्या पॉइंट्स थे, लेट्स रिकॉल देम. प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, सेकेंड वन वॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड वन वॉज चूजिंग अमंग द सॉल्यूशंस, एंड द लास्ट वन वॉज एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कवर्ड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ दिस राइट. Sorry for this. Okay. So this approach is designed to solve the customer's problem rather than creating value. यहाँ पर value creation नहीं होता, यहाँ पर customers की problem को solve किया जाता है, which this entity is very good at, right? So the value shop model, the value shop mobilizes the resources, जैसे कि people, knowledge जो हमारे पास already है, उनको बस लगाना है काम पर कि वो problems को solve करें और solutions provide करें. And this model is iterative, involving repeatedly performing a generic set of activities until a solution is reached. Secondary activities in this value chain shall have same support activities as those in the bottlers value chain. However, the primary activities are described differently to recognize the different nature of the service-oriented business. In value shop, primary activities are performed in circle within a firm to perform generic set of activities iteratively before reaching a conclusion. Since WSS team communicate with customers to find a solution before testing of developed prototypes, so this will find the value shop compatible and effective model to use. So yeah, that's all for this case study. I hope आपको ये case study पढ़ने में मज़ा आया होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम case studies को attempt कर सकते हैं, and it is not so difficult as it seems, right? So thank you so much for watching, guys, and I'll come up with the next video soon. Till then, stay safe and stay healthy. Bye bye.